ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में विद्या हो चुकी है काफी इनसिक्योर जब से उसे पता चला है कि माधव शिवानी के घर पे रह रहा है। इसलिए वो दादी सा के सामने कहेगी कि मुझे अब अपना पति चाहिए, मुझे अपना सुहाग चाहिए। और ये बात सुनकर अरमान अब अपनी माँ की बात मानेगा और अपनी माँ की बात मानकर अपने बाप से बात करने जाएगा, जहाँ माधव ये बात सुनेगा। और वहीं आपको ये भी बता दे कि आगे की कहानी में आपको बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा और इसी वजह से अरमान माधव की बात सुनेगा। और आपको ये बता दे कि अरमान जब आएगा खाली हाथ घर पे तो विद्या भी परेशान हो जाएगी, लेकिन पीछे से माधव आने वाला है अभीरा के साथ, जहाँ अभीरा और माधव दोनों मिलकर फदार हाउस में जश्न मनाएंगे। और वहीं आपको ये भी बता दे कि अभीरा की कुर्बानी के बारे में विद्या को पता चलेगा। कल आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।